heavens, he says, heavenly signs. Heavenly signs. Signs and national signs. Now they have a great signs in the skies today. They have astronauts and everything. ध्यान दीजिए, उसने कहा आकाश के चिन्ह, विज्ञान और राष्ट्रीय चिन्ह। अब उनके पास आज आकाश के बड़े बड़े चिन्ह हैं, उनके पास अंतरिक्ष यात्री और सब कुछ है। What does these astronauts do to the world signs? It brings them fear. They don't know what time they just send up something like that, just drop these bombs and we beat them more. लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री विज्ञान संसार के लिए क्या करते हैं, या उनके लिए डर को लाते हैं। वे नहीं जानते कौन से समय पर इसी तरह की कोई चीज ऊपर से भेज सकते हैं और बस इन बमों को नीचे डाल सकते हैं और हम बच नहीं पाएंगे। देखो, अब यही वो चिन्ह है जो उनके पास आकाश में डर पैदा करने वाले दृश्य हैं। समझे, उनके पास अणु बम और सब कुछ है, सभी प्रकार के चिन्ह है। आप जानते हैं, उन्होंने कहा एक दिन इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वे अब और बम को विस्फोट नहीं करेंगे, लेकिन अब वे उनका प्रशिक्षण उसी तरह से पानी के अंदर और भूमि के नीचे करने जा रहे हैं। It's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Well, we know you're doing the same way over there. समझे, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर को किया है। हम यह नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम वापस घर जाकर और उसे उसी तरह से करेंगे, जबकि हम जानते हैं वहाँ पर ठीक उसी प्रकार कर रहे हो। It's just not a thing. It's just there's not no trust among them. There's no nothing you can see. समझे, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो बस उनके मध्य में कोई भी भरोसे वाली बात नहीं है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप समझे, हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ है। यही एक सबसे डरावना चिन्ह है। विज्ञान और मनुष्य और राष्ट्रों ने ही आकाश में एक डरावने चिन्ह को उत्पन्न किया है। यह बिल्कुल सच है। अब एक दूसरे से डरना। और आकाश के चिन्ह जो दिए गए हैं, देखें, अब उनके पास भी आकाश में एक चिन्ह है, एक डरावना चिन्ह। एक मनुष्य अंतरिक्ष यान में है, हो सकता है उसके पास एक परमाणु बम हो और वह नीचे को गिरा दे और सारे राष्ट्र को नष्ट कर सकता है। एक अंतरिक्ष यान में चढ़ जाए और वहाँ पर बना रहे, आपको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकेगा। वे इसे निश्चय ही कर सकते हैं। वे जब भी चाहें इसे कर सकते हैं, वे इसे मिट्टी में मिला सकते हैं यदि वे चाहते हैं तो, अब से 15 मिनट के अंदर ही। और जो वो एक कर सकता है, ठीक वैसा ही दूसरा भी कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं उनके पास एक चिन्ह है, लेकिन इस प्रकार का चिन्ह उनके अंदर डर को लाता है। वे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी ताकतों को मिला रहे हैं। आजाद संसार, वो अपनी ताकत को एक साथ मिला रहा है। साम्यवाद अपनी ताकत को रूस के साथ मिला रहा है। हर एक जन, लेकिन हर एक दूसरे से डरा हुआ है। देखो, यह एक डर से भरा हुआ चिन्ह है। यह सच है। यही एक राष्ट्रीय चिन्ह और बातें हैं। But the church has received a heavenly sign. An astronaut. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire.
that he was in the Old Testament, that he was when he met Saul on the road down there to Damascus, the same Jesus here today. लेकिन कलीसिया ने स्वर्गीय चिन्ह को ग्रहण किया है, एक अंतरिक्ष यात्री, आमीन, जो यीशु मसीह है, जो अग्नि के स्तंभ के रूप में है, यही है जो पुराने नियम में था, जो वो था जिसने वहां दशमिक के रास्ते पर शाउल से मुलाकात की थी, वही यीशु आज यहां पर है। And what does it do? Does it bring fear? It brings love. Amen. A uniting of one another. Amen. A feeling for one another. और ये क्या करता है? क्या वो डर को लेकर आता है? ये उस प्रेम को लाता है जो एक दूसरे से एक कर रहा है, आमीन, एक दूसरे के प्रति महसूस करना। It brings the love of God, oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union is God. ये परमेश्वर के प्रेम को लाता है, ओह, हमें एक करता है, हमें एक लेकर आता है, और मसीह की देह में एक दुल्हन की नाई एकता मिलाता है, यही है जो वो अब कर रहा है, यह महान एकता है जो परमेश्वर। वे अपने आप को एक कर रहे हैं, एक झुंड जो यहाँ पर है दूसरे झुंड से लड़ता है, एक झुंड यहाँ पर दूसरे झुंड से लड़ने के लिए है, यहाँ पर एक कलीसिया उनके मध्य में खड़ी हुई है, आप ध्यान दें क्या होता है, ये उनके साथ एक हो जाएगी, यह बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम पाते हैं कि यह भय और निराशा को लेकर आता है। But the church, the bride, is united by one God, under one Spirit, the Spirit of God, and one holy union of God, to be one holy bride. लेकिन कलीसिया दुल्हन वो एक हुई है, एक परमेश्वर के द्वारा, एक आत्मा के अंतर्गत, वो परमेश्वर की पवित्र एकता में परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बनने के लिए है, यह सच है, सब मिलकर यह देह की एकता है। For the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us. That we can hardly be away from one another. That's right. वो देह एक दुल्हन की नाई प्रतीक्षा कर रही है, जैसे कि वो दुल्हन है, जैसे कि हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, क्योंकि दुल्हन के लिए एक होने का समय है, कलीसिया इतनी एकत्र होती जा रही है, इससे हमारे मध्य में बस इतना प्रेम उत्पन्न होना चाहिए कि हम कदाचित ही एक दूसरे से दूर हो सकेंगे, यह सही है। हम बस आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए विनती नहीं करेंगे, आपको लोगों से परमेश्वर की आराधना करने के लिए विनती करनी नहीं पड़ेगी, आपको लोगों से विनती नहीं करनी पड़ेगी कि वो करें जो सही है, वे तो केवल इससे इतना प्रेम कर रहे होते हैं, इतना तक वह कुछ अन्य है भी नहीं। What do you think about a little girl, a real pretty little maid, that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married? आप उस छोटी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं जो बहुत ही सुंदर युवा दासी है, जो विवाह करने जा रही है, वो कोई खूबसूरत युवा पुरुष है, वो लड़की उससे पागलपन की हद तक प्रेम करती है, मतलब वो उससे खुद अपने जीवन से भी बढ़कर प्रेम रखती है, और वह भली भांति जानती है कि वे विवाह करने जा रहे हैं। Is that wedding day approaches, that little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to him. That's right. जब विवाह का दिन नजदीक आने लगता है, मैं आपको बताऊंगा, वह बस पूरी तरह से यहाँ वह घूमती रहती है, समझे, वह बस सब कुछ तैयार करती रहती है, वह स्वयं को उसे पूरी तरह से समर्पित कर देती है, यह सही है। Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hidden in God through Christ, sealed in there by the Holy Spirit. हर एक चीज
जिससे कि वो प्रसन्न होता है, वह केवल उसी काम को करना चाहती है। तो ठीक इसी तरह से आज की कलीसिया होनी चाहिए। हमारा जीवन मसीह में से होते हुए इतना परमेश्वर में छिपा होना चाहिए कि हम उसके अंदर पवित्र आत्मा से मोहर बंद हो जाएं।